students, in this lecture we will learn how to draw double bar graph. It is question number 5 of exercise 3.3. Consider the data collected from a survey of colony, favorite sport, watching and participating. फेवरेट स्पोर्ट में हमारे पास क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स. वॉचिंग, इतने बीच पीपल वॉच करते हैं क्रिकेट को, और पार्टिसिपेटिंग, इतने पीपल पार्टिसिपेट करते हैं. अगेन बास्केटबॉल को कितने लोग देख रहे हैं, 470 लोग बास्केटबॉल को देख रहे हैं, और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 320. स्विमिंग में कितने लोग आपके वॉचर्स हैं, 510. और पार्टिसिपेशन कितने लोगों का है, 320. सिमिलरली हॉकी एंड एथलेटिक्स. नाउ वी विल ड्रॉ डबल बार ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द स्केल. स्केल 1 यूनिट इज इक्वल. अब हमारे यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज देखते हैं. मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 1240 और मिनिमम वैल्यू हमारी 105. तो अब जब हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1240 है, इट मींस हमें वैल्यू कहां तक लेनी पड़ेगी, 1240 से ज्यादा, यानी कि 1300 तक. और मिनिमम वैल्यू क्या है, 105. सो वी हैव टू टेक मिनिमम वैल्यू 100. नाउ वी विल ड्रॉ डबल बार. हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 and 1400. Our first 1300 तक ही काफी था हमारा. We don't need to take 1400. अब first हमारा है 1240. तो 1240 जो है वो हमारा किसके बीच में लाइक करेगा, 1200 एंड 1300 के इन बिटवीन लाइक करेगा. अब कितने का गैप है हमारा यहाँ पे, 100 का. देखो ये हमारा जीरो है, 0 to 100 गैप हुआ 100 का, 100 to 200 100, सब जगह 100 का गैप है. सो वी डोंट नीड टू ड्रॉ किंक लाइन. अब हमें किंक लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नीचे भी 100 का गैप है और ऊपर भी सब जगह 100 का ही गैप है. अब क्वेश्चन अराइजेस, 1240 जो है 1200 से बड़ा है और 1300 से छोटा है. 100 का गैप है और बीच में कितनी लाइंस होती हैं आपकी, 10 लाइंस. कितनी लाइंस होती हैं आपकी, 10. तो वन लाइन कितने को शो करेगी, 10 को शो करेगी. तो वन लाइन 10 को, टू लाइंस 20, थ्री लाइंस 30, फोर लाइंस 40, फाइव लाइन 50, सिक्स लाइन 60, सेवन 70, 8, 80, 9, 90, देन आपका 100 आ जाएगा. तब हम क्या शो करना है, 1240. तो हम कितनी लाइन काउंट करेंगे, 4 लाइन, 1 2 3 4. 1200 और 4 लाइन कितनी को शो करेगी, 40 को. 1200 प्लस 40, 1240. और पार्टिसिपेट, अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है तो आगे नहीं चलना. वॉचिंग के बाद हम किसको देखेंगे, पार्टिसिपेटिंग को. पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं, 620. 620 किसके बीच में लाइक करेगा, 600 एंड 700 के बीच में. तो 20 आगे हमें और देखना है, टू लाइंस 1 2. तो 600 प्लस टू लाइंस में कितना आया हमारा, 20. 620 इसी से हम साथ में ही जोड़ के बना देंगे, कोई ब्लॉक हमको छोड़ना नहीं है.
ये आप इसके साथ कैसे बनेगा, इसके साथ ज्वाइन होकर बनेगा। डबल पैराग्राफ में आपकी जो दोनों एक्टिविटीज हैं वो ज्वाइन होकर बनेंगी। ये हमारी वॉचिंग, और ये पार्टिसिपेटिंग। और हम इसके लिए जिस तरह से मैप में हम लोग क्या बनाते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, ऐसे हम वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग के लिए सिंबल्स भी बना सकते हैं। ये स्केल हमारा 1 यूनिट इक्वल टू 100 पीपल। तो वॉचिंग के लिए हमने स्केल बनाया, वॉचिंग के लिए हम लोगों ने साइन बनाया, और पार्टिसिपेटिंग के लिए हम लोग साइन बना लेते हैं। तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। दिस वे पार्टिसिपेटिंग के लिए हम डॉट्स लगा रहे हैं, या हम पार्टिसिपेटिंग के लिए डॉट्स लगा के एक और साइन हम यूज कर सकते हैं, वेविंग लाइंस। ओके, देन नेक्स्ट हमारा 470 एंड 320। 470 400 एंड 500 के बीच में लाइन करेगा। 470 की हम 7th लाइन काउंट और करेंगे 400 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, एक ब्लॉक छोड़ेंगे और 470। देन 320 300 के बाद 2 लाइन, 1 2, और साथ में ही इसको ज्वाइन करके बनाएंगे 320। फिर से 420 के लिए दिस वे। देन नेक्स्ट इज स्विमिंग। स्विमिंग में आपका 510 एंड 320। 500 के बाद 1 लाइन हम देखेंगे, 510, 1 ब्लॉक छोड़ देंगे, 510, एंड यहां भी आपका 320 ही है, 320। नेक्स्ट हॉकी। हॉकी में आप लोगों के पास है 430 एंड 250। 430, 4 के बाद 3 लाइन, 1 2 3, 430, एक ब्लॉक हम छोड़ेंगे, 430 एंड 250, 200 के बाद 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 250, 430, 250, अगेन 250। स्टूडेंट्स, हम जिस तरह से यहां साइंस बना रहे हैं, यू कैन कलर इट विद डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। आप वॉचिंग को अलग कलर से कलर कर दीजिए, और पार्टिसिपेटिंग के लिए अलग कलर यूज कर सकते हैं। आप इसको कलर भी कर सकते हो, सिंबल्स भी बना सकते हो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट देयर शुड बी अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वॉचिंग एंड
पार्टिसिपेटिंग, आपका डिस्क्रिमिनेशन दोनों में जो डिफरेंस है वो नजर आना चाहिए कि आपका कौन सा जो ग्राफ है वॉचिंग को शो कर रहा है और कौन सा ग्राफ पार्टिसिपेटिंग को शो कर रहा है। वॉचिंग आप यहाँ साइन बनाओगे कि वॉचिंग के लिए आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो और पार्टिसिपेटिंग के लिए आप कौन सा कलर यूज कर रहे हो। यहां पर आपको शो करना ही करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कलरिंग करनी है या फिर साइंस बनानी है। नेक्स्ट इज एथलेटिक्स 250, एक ब्लॉक छोड़ देंगे हम 250 एंड 105। 100 के बाद अगर हम 1 लाइन लेते हैं तो वो 110 को शो करेगी, 1 लाइन इसको शो करेगी 110 को। अब आपको ऐसा करना है कि 100 और जो फर्स्ट लाइन है उसके नियर अबाउट बिल्कुल स्लीक में जो आएगा उसको लेकर चलना है। तो 100 के बाद बिल्कुल बहुत स्लीक 105। अब हमें यहां पर राइट करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। यहां पर मेरी जगह नहीं बची है, बट बेटा देखो WATCHING वॉचिंग ऑब्लिक पार्टिसिपेटिंग, आपको ये राइट करना है। इसके नंबर्स होते हैं, अगर आप ये राइट नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और ये हमारा क्या है, फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट स्पोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, कि आप वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ये आपके कौन सी लाइन पर आए हैं, वर्टिकल लाइन पर, और फेवरेट स्पोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें आपके पास क्वेश्चंस है, लेट अस सी। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। तो आपने डबल बार ग्राफ बना दिया, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, कि आपको बार ग्राफ से क्या पता लगता है। तो बार ग्राफ इन्फर्स, इन्फर द डाटा रिलेटिंग टू टू वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग हैबिट्स रिगार्डिंग फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट स्पोर्ट। ये डेटा हमें क्या बता रहा है, ये डाटा हमें ये बता रहा है कि जो लोगों का फेवरेट स्पोर्ट है उससे रिलेटेड उनकी वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग हैबिट्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट पॉपुलर है, क्रिकेट। देखो वॉचिंग में भी लोग यहां ज्यादा है और पार्टिसिपेटिंग में भी लोग यहां ज्यादा है। क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, और आप यहां से भी देख सकते हो, देखो सबसे बड़े वाले बार्स किसके बने हुए हैं, क्रिकेट के बने हुए हैं, बने हुए हैं सबसे ज्यादा बड़े बार आपके क्रिकेट के। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, विच इज मोस्ट प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, किस चीज को प्रेफर किया जाता है, वॉचिंग को लोग प्रेफर करते हैं या पार्टिसिपेटिंग को लोग प्रेफर करते हैं। आप यहां देखो इन दोनों में किसको प्रेफर कर रहे हैं लोग ज्यादा, ये हमारा वॉचिंग का बार ग्राफ है और ये पार्टिसिपेटिंग का। तो वॉचिंग को प्रेफर कर रहे हैं, यहां भी वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग, किसको प्रेफर कर रहे हैं, वॉचिंग को। यहां देखिए वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग को प्रेफर कर रहे हैं, और वॉचिंग, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग, यहां भी वॉचिंग वाला बार ग्राफ आपका बड़ा है और यहां पर भी वॉचिंग को ही लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो वॉचिंग इज मोस्ट मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड। तो ये आपका था डबल बार ग्राफ। व्हेन यू आर ड्रॉइंग इन डबल बार ग्राफ,
तो आपको क्या करना है, दोनों जो डबल जो है वो आपको इकट्ठे ही बनाने हैं, उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ना है, फिर दो इकट्ठे आपको जो भी दो आपको चीजों से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है उसका इकट्ठा बार ग्राफ बनाना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग है, तो वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग एक हमने छोड़ दिया, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर आपको लिखना भी है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ क्रिकेट, ये किसका था क्रिकेट, नेक्स्ट किसका है बास्केटबॉल, थर्ड वन इज ऑफ स्विमिंग, आपको ये नीचे ही लिखना है बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्लेस मैं यहां लिख रही हूं हॉकी और एथलेटिक्स। स्टूडेंट्स यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नॉट इट डाउन व्हाट आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू।